जीत फिक्स। यार मैं रात को 8 घंटे सोता हूँ, फिर भी सुबह या दिन में जब भी पढ़ने के लिए किताब उठाता हूँ नींद आने लगती है। जब टीवी देखता हूँ, दोस्तों से बातें करता हूँ तब नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही किताब उठा के 10 मिनट पढ़ता हूँ नींद आने लगती है। देखो भाई, रात को पूरी नींद लेने के बाद भी अगर नींद आ रही है ना, तो इसका मतलब एक ही है कि तुम्हारा माइंड उस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा, उससे बोर हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे रामबाण टिप्स बताने वाला हूँ कि अपने माइंड को हैक करके बिना नींद के चंगुल में फंसे चाहे जितनी देर पढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज तो ये कि अपने माइंड सेट को बदलिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि IAS बनने के लिए कितने घंटे पढ़े, IIT या NEET निकालने के लिए कितने घंटे पढ़े। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। चलो मान लिया इसका किसी ने जवाब दिया कि ठीक है, IAS बड़ी एग्जाम है, इसको क्लियर करने के लिए तुम्हें 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बिना कॉन्सेंट्रेशन के 16 घंटे की पढ़ाई से बेहतर है 4 घंटे की कॉन्सेंट्रेशन के साथ में की गई पढ़ाई, और 4 घंटे की बिना कॉन्सेंट्रेशन के साथ की गई पढ़ाई से अच्छा है कि 2 घंटे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ लो। तो बिना नींद में फंसे पढ़ाई कैसे करें? देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि बिस्तर पे बैठ के मत पढ़ो। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए होता है। अगर पढ़ना है तो सबसे बेस्ट है टेबल कुर्सी का यूज करो। उसमें भी अगर पीछे की तरफ बिना सहारे की स्टूल है तो और भी अच्छा। दूसरी बात यह है कि नींद और पानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। जब भी नींद आए तो उठो और पानी पियो, या फिर हाथ पैर धो के आओ, या फिर नहा के आओ, किसी भी तरह पानी यूज करो, तो नींद अपने आप भाग जाएगी। तीसरी बात यह है कि जब भी नींद आए तो अपने आप को टीचर की तरह बोल के या फिर लिख करके पढ़ाओ। बोलने और पढ़ाने से तुम्हारी बॉडी और एक्टिव हो जाती है, जिससे नींद कंट्रोल हो जाती है। चौथा टिप यह है कि अगर बोलने और पढ़ने से भी नींद नहीं भाग रही ना, तो कुर्सी से उठ जाओ, किताब हाथ में लो, रूम में इधर उधर फिरो और चलते हुए बोल के पढ़ो, अपने आप नींद भाग जाएगी। छठा टिप यह है कि अपने रूम में लाइट को ऑन करके पढ़ो, या अगर सनलाइट आ रही है तो उसको आने दो। जब भी रूम में लाइट की कमी होती है आंखों पे जोर पड़ता है और वो जल्दी थक जाती है और उनका बंद होने का मन करता है, इसलिए रूम में सफिशियंट रोशनी और वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण टिप यह है, जब भी तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आने लगे अपने मोबाइल में 10 से 30 मिनट का टाइमर लगाओ और सो जाओ। लेकिन इस ड्यूरेशन से ज्यादा मत सोना, नहीं तो आदत बिगड़ जाएगी। और जो लोग सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं उनको रात को जल्दी सो जाना चाहिए, और जिनका दिमाग रात को सही काम करता है और रात को देर तक पढ़ना चाहते हैं उनको शाम के वक्त जब अंधेरा होने लगे तब एक छोटी सी आधे घंटे टाइप की एक पावर नैप ले लेनी चाहिए, यानी कि एक छोटी सी नींद। इससे अपने आप तुम्हारा दिमाग रात को लंबे समय तक पढ़ता रहेगा। और इन 7 टिप्स के अलावा एक बोनस टिप मैं ये देना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक तुम्हें हार्ड लगे उनको उस वक्त अवॉइड करो जब तुम्हें नींद आ सकती है, जैसे कि देर रात को अवॉइड करो। हार्ड टॉपिक्स को तब पढ़ो जब तुम्हारा दिमाग एकदम फ्रेश है, जैसे कि नींद से उठने के बाद, नहाने के बाद। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा रूल पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं, या कोई ऐसा टिप जो आप शेयर करना चाहते हैं। जय हिंद, गुड लक, वंदे मातरम। Jeet Fix!